हे गाइस, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे सेल का लास्ट डे है, जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त तक था। आज 16th ऑफ अगस्त है, तो अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो पर्पल पे ज़रूर विजिट करिए। इसमें बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री का तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है। इसमें स्टिक वर्की की आपको लिपस्टिक मिलेगी, पर्पल का कॉम्पैक्ट मिलेगा एंड गुड वाइब्स के कई सारी क्रीम्स मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी हैं। मिनी लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। सारे ब्रांड्स का अपना अलग ऑफर है, तो एक बार अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे है। चलिए अब अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका शेखावत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये है गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल हमारे बहुत काम के होते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारे हेयर को बहुत अच्छी शाइन, बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की। तो इसकी पैकेजिंग है कार्डबोर्ड फॉर्म में, इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपिंग भी थी जो कि मैंने हटा दी थी। यूज़ कर रही हूँ मैं अभी पिछले 15 डेज से। तो फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी हमें मिलती है 10 ml की। यह है टी ट्री 100% प्योर एसेंशियल ऑयल। इसके बाद इसमें इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि इट क्लींसेस एंड प्योरीफाइज द स्किन, हेल्प्स टू ट्रीट एक्ने एंड अदर स्किन इरिटेशन, स्ट्रेंथन हेयर एंड रिमूव्स डैंड्रफ। यस गाइस, मैंने इसको सच में यूज़ किया अपने शैम्पू अपने ऑयल में मिला के, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला डैंड्रफ के लिए। एंड हाउ टू यूज़ में लिखा है इसमें, मिक्स 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ गुड वाइब्स एसेंशियल ऑयल विद 1 teaspoon ऑफ एनी गुड वाइब्स कैरियर ऑयल एंड अप्लाई ऑन द स्किन। या फिर आप किसी भी गुड वाइब्स के ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल, कोई भी ऑयल में इसको 3 to 2 ड्रॉप्स इसकी मिला के आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ है इसकी 2 ईयर्स की एंड प्राइस है इसका 245 rupees। सो गाइज, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, चल रही है बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंस डे वाली सेल एंड गुड वाइब्स के तो सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्लैट 50% ऑफ। जब मैंने इसको मंगाया था, मैंने भी इसे फ्लैट 50% ऑफ में ही मंगाया था एंड ये प्रोडक्ट पड़ा था मुझे 123 आई थिंक और 124 rupees का, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं कि सस्ता मिलता है तो वर्क नहीं करता गाइज, ट्रस्ट में बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड इसके बाद इसमें जो इसके की इंग्रेडिएंट है वो है मेलालुका अल्टरनीफोलिया, पता नहीं क्या होता है बस इसमें लिखा हुआ है। तो पैकेजिंग ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको कैसा आता है। सो गाइस, ओपन करने के बाद ये हमें ग्लास की बॉटल मिलती है जो कि ब्लू कलर्स में है। इसके ऊपर ये गोल्डन सा कैप मिलता है एंड सारी इन्फॉर्मेशन इसकी इनर पैकेजिंग पे भी, इतनी छोटी सी बॉटल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एंड जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक ऐसी कैप सी लगी थी, वो मैंने निकाल के साथ में ड्रॉपर एक आता है, इतना छोटू सा ड्रॉपर आता है, मैंने साथ पिछली वीडियो में शेयर भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है इसकी पैकेजिंग तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, प्लीज़ वॉच आउट कर लीजिएगा। तो जो ड्रॉपर आया था वैसा वाला ड्रॉपर नहीं है, पर हाँ इससे 1-1 ड्रॉप्स ऐसे निकलता है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, इस छोटी सी बॉटल का जो फर्स्ट यूज़ है वो ट्रीट्स एक्ने प्रोन स्कार्ड स्किन। यस, तो ये एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा वर्क करता है एक्ने के लिए। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि स्पॉट ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलता है। अगर बहुत छोटे छोटे से स्पॉट्स हो रखे हैं तो आप इसको ईयरबड होता है उसमें डिप करके सिर्फ स्पॉट्स पे ऐसे लगा लेना है। बाकी अगर पूरे फेस पे आपको लगता है छोटे छोटे से पिंपल्स हो रखे हैं तो वो किसी चीज़ में मिक्स करके आप लोग लगाइएगा। आप चाहें तो एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, पर हाँ इसको अकेले बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इट ऑल्सो किल्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, तो जो हमारे दाने होते हैं वो फूट जाते हैं, उसके बाद में जो उसका पानी होता है वो इधर उधर लगता है, जिसकी वजह से कई नए एक्ने आ जाते हैं। इसकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उससे फाइट करती हैं एंड जो इधर उधर पिंपल्स अगल बगल के होते हैं वो नहीं होने देती हैं। एंड गाइस, अगर सच में बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो रखे हैं तो आप इसका बहुत अच्छा फेस पैक बना सकते हैं। लेमन जूस में थोड़ा सा हनी मिक्स करके एंड 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी ऐड करेंगे अगर आप, तो आपका फेस मास्क बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। वीकली 2 times अप्लाई करिए एंड मुझे रिजल्ट ज़रूर कमेंट डाउन में बताइएगा था कि कैसा आपको इसका रिजल्ट लगा। चलिए मैं सेकेंड बेनिफिट्स बताती हूँ। इट ऑल्सो बैलेंसेज ऑयली स्किन, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने डेली यूज़ में ला रहे हैं, आप चाहें तो इसका बॉडी मिस्ट बना सकते हैं। छोटी सी बॉटल के कंटेनर में पानी लीजिए, उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल का ऐड करिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा आपका बॉडी मिस्ट बन जाएगा। गाइस, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन। सीबम से हमारी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है एंड ये ऑयल को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ। इसको आपको मुल्तानी मिट्टी में 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करना है एंड उसका भी फेस पैक बना के अगर आप लगाओगे तो ऑयल कंट्रोल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
एंड इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी रहती है वो होती है फेशियल स्टीम। अगर आपके वाइटेड्स या ब्लैकेड्स हो रखे हैं तो आप किसी भी ओपन माउथ कंटेनर में वाटर बॉयल करिए थोड़ा सा, उसमें इसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड करिए एंड उसकी आप स्टीम लीजिए अपने फेस को किसी चीज़ से कवर करके। ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे एंड आप उस टूल से अपने वाइटेड्स या ब्लैकेड्स बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। सो गाइज, इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। इसको आप किसी भी, जैसे कि मैसलर वाटर होता है, ये कोई भी मेकअप रिमूविंग जो लिक्विड आते हैं उसमें आप इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें, अगर उसके बाद अगर आप अपना मेकअप को वाइप करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। ये ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है फेस को। गाइज, इसकी जो सिक्स अच्छी वाली प्रॉपर्टी है वो होती है कि इट ऑल्सो फाइट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। तो अगर आपके नेल्स के आसपास फंगस हो रखा है या फिर कभी कभी पैरों की उंगलियों के बीच में हल्का सा फंगस इन्फेक्शन हो सकता है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। इसके कुछ ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल में या फिर एलोवेरा जेल में, जैसे कि मैंने बताया, उसमें ऐड करके अगर आप लगाओगे तो फंगल इन्फेक्शन से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दाद, खाद, खुजली, इन सब चीज़ों में भी ये आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेटेड रहता है, काफ़ी कंसनट्रेटेड रहता है, तो बहुत ही कम मात्रा में ही इसको यूज़ करिए। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर ये आपको हार्म भी पहुँचा सकता है। सो गाइज, इसकी जो सेवेंथ बेनिफिट है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज माउथ फ्रेशनर। यस, थोड़ा सा ग्लास में पानी लेके अगर आप उसमें इसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे एंड उसके बाद माउथ में 2-3 मिनट के ऐसे ही बबल्स बना के बाद में वॉश आउट कर देंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। ये ब्लीडिंग गम्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ब्लीडिंग गम्स में इसमें काफ़ी आराम मिल जाता है। जो एक प्रॉपर्टी है इसकी वो है आपके हेयर के लिए, अगर आप इसको अपने किसी भी ऑयल या शैम्पू में मिक्स करके लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ से काफ़ी आराम मिल जाएगा। ईची स्कैल्प अगर हो रखी है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा आपको एंड गाइस, हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है गाइज, वो ये है कि ये स्किन इन्फेक्शन से भी बहुत बचाता है। अगर कहीं पे भी स्किन इरिटेशन हो रही है, कहीं पे भी खुजली हो गई है या कहीं पे भी चोट लग गई है हल्का सा, कहीं भी इरिटेशन हो रही है ऑन एनी बॉडी पार्ट, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल में मिला के। बहुत अच्छा, ट्रस्ट मी गाइज, 2-3 यूजेस में ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। एंड गाइज, इसके बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे कहने पे सिर्फ आप यूज़ करने मत बैठ जाना। अगर आप यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पे या हेयर्स पे तो प्लीज़ एक बार अपना पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड एक और चीज़ गाइज, कि इसको कभी भी आपको इंटरनली इंटैक्ट नहीं करना है, कभी भी इसको इंटरनली नहीं लेना है, हमेशा इसको एक्सटर्नली ही यूज़ करना है। एंड इस पैकेज पे एक और चीज़ लिखी है जो मैं बताना भूल गई थी, इट इज़ 100% वेजिटेरियन, क्रुएल्टी फ्री है, नॉन GMO है, 100% नेचुरल है, सेफ ऑन स्किन, 100% प्योर, नो सिंथेटिक्स एंड टेस्टेड फॉर ऑथेंटिसिटी। तो इतनी सी बॉटल में काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, तो अभी भी टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ कि इंडिपेंडेंस सेल का आज लास्ट डे है गाइज, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ पर्पल ऐप को डाउनलोड करिए, अगर ऑलरेडी है तो उस पर विजिट करिए, काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री का भी बहुत अच्छा है, तो आप मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए। जस्ट क्लोज दिस वीडियो एंड गो ऑन द ऐप एंड डू शॉपिंग। हाँ, लेकिन क्लोज करने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सबके साथ में वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।